उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां के मऊ आईमा कस्बे में रिश्तेदार के घर शादी में आए दो किशोरों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद शादी वाले घर में खुशियों की जगह मातम फैल गया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने लोगों के सहयोग से शवों को बाहर निकलवाया। पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना से पूरे बाजार में शोक व्याप्त रहा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक मऊ आईमा बाजार के मोहल्ला अबू हलीम पट्टी निवासी अबू के लड़के की शादी थी, इसलिए जोर शोर से तैयारी की जा रही थी। घर पर बड़ी संख्या में रिश्तेदार भी पहुंचे थे। सुबह करीब 8 बजे शादी में आए दो किशोर मोहम्मद मेहन पुत्र इकबाल निवासी जलालपुर थाना फूलपुर प्रयागराज और मोनिस उर्फ कैफ पुत्र नौशाद निवासी चिकनी तालाब कोतवाली भदोही नहाने के लिए मऊ आईमा के ईदगाह तालाब पर चले गए। नहाते समय गहरे पानी में जाने से वो डूब गए। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।